का कैसा रहा इंटरव्यू? मैंने अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने से सिर्फ 10 दिन पहले शुरू करी थी। लेकिन ऐसा क्यों? उस टाइम पे मुझे याद है मेरे अराउंड 70,000 सब्सक्राइबर्स थे और मैं बहुत सीरियसली अपने चैनल पे काम कर रहा था और मेरा उस टाइम सपना था कि मैं अपनी कंटेंट एजेंसी स्टार्ट करूंगा और प्लेसमेंट स्किप कर दूंगा। हाँ, मेरा ये प्लान था कि मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठूंगा। लेकिन ऑब्वियसली जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता है। अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और कितना प्रेशर होता है। और आप सब ये भी जानते हो कि एक स्टेबल इनकम सोर्स की कितनी ज्यादा जरूरत होती है ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ। मैं अपनी कंटेंट एजेंसी पे काम तो कर रहा था लेकिन मुझे इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी और मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन भी स्टार्ट हो गया था। जैसे जैसे प्लेसमेंट सीजन करीब आता जा रहा था मेरे यूट्यूब पे काफी सारे कॉमेंट्स आने लग रहे थे कि भाई तेरी प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई, प्लेसमेंट का क्या सीन चल रहा है। कई लोग तो बहुत ज्यादा हेट दिखा रहे थे कि भाई तेरी प्लेसमेंट नहीं होने वाली, तू सिर्फ वीडियोस बनाता रह जाएगा। तो यार इन सब चीजों की वजह से सच बताऊं तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, बहुत हेट आने लग गई थी, फैमिली और रिलेटिव्स की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थी और कॉलेज के दोस्त भी चिढ़ाते थे कि भाई हमें नहीं लगता तेरी प्लेसमेंट होने वाली है। धीरे धीरे ये बातें दिमाग में इतनी ज्यादा घुस गई थी कि मैं डायरेक्शनलेस फील कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और सच बताऊं उस टाइम पे मुझे बहुत डर लगता था, अपने फ्यूचर का एंग्जाइटी होती थी। और तो और ऐसा हो गया था कि मुझे यूट्यूब से प्लेसमेंट वर्ड ही बैन करना पड़ गया था, क्योंकि जब भी मैं कॉमेंट सेक्शन में जाता था मेरे को ऐसे ही कॉमेंट्स दिखते थे। और देखते ही देखते प्लेसमेंट सीजन बहुत नजदीक आ गया था, सिर्फ 10 दिन बचे थे और अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची थी, मेरे को प्लेसमेंट क्रैक करनी ही थी कैसे भी। हेलो हेलो बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? हाँ मम्मी, हो गया। प्लेसमेंट तो मेरी हो गई थी लेकिन इस जर्नी से मैंने क्या क्या सीखा और मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, अब उसके बारे में बात करते हैं। मेरी सबसे पहली गलती ये थी कि मैंने अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट करी थी। अभी जून चल रहा है और आप सबका समर ब्रेक चल रहा होगा और ये बेस्ट टाइम होता है अपनी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाता है और जब अगस्त के बाद आपके कॉलेजेस स्टार्ट होंगे और उसके भी शायद एक महीने बाद कंपनीज आना स्टार्ट होगी तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए अपनी स्किल्स के ऊपर। सेकेंड प्रॉब्लम कि भाई साहब पढ़ना क्या है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम फोकस नहीं रह पाते। इंटरनेट पे अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज और इस अबंडेंस की वजह से ही हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। और अगर हम इस टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये फिगर आउट करने का कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। हमें एक स्ट्रक्चर की नीड होती है अपने प्रिपरेशन के वक्त और राइट गाइडेंस की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि यही बेस्ट टाइम है खुद पे इन्वेस्ट करने का, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में इन्वेस्ट करने का। देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 3-4 महीने है, तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में इन्वेस्ट करना बेस्ट डिसीजन होगा। मेरे टाइम पे मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, मुझे याद है मैंने एक कोर्स परचेस करा था, काफी एक्सपेंसिव था, लेकिन आज के टाइम पे इतने अफोर्डेबल ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। जैसे अभी आप अमन भैया का अल्फा कोर्स ही देख लो, आई गेस उन्होंने 3-4 बैचेस ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं काफी अफोर्डेबल रेट्स में और अभी उनका 5th बैच लॉन्च हुआ है। अभी मैं उनके 1-2 दिन पहले वीडियो देख रहा था। अभी कुछ दिन पहले जब मैं अमन भैया को मिला था तो उन्होंने मेरे को अल्फा का कोर्स स्ट्रक्चर भी दिखाया था जिसमें श्रद्धा मैम पढ़ा रही हैं, तो उन्होंने मेरे को दिखाया था कि कैसे वो DSA स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं। तो यार जो ऐसे कोर्सेज होते हैं ना बहुत क्यूरेटेड होते हैं, उसमें आपको DSA एकदम स्क्रैच से पढ़ाया जाता है, इंटरव्यू प्रॉब्लम्स कराई जाती है, जैसे अल्फा के अंदर आपको 300+ इंटरव्यू प्रॉब्लम्स कराई जाती है, आपको अगर OSDBMS में प्रॉब्लम है आपको जो चीजों की जरूरत है ना प्लेसमेंट रेडी बनने के लिए वो सब आपको कराया जाता है। और आपकी जो टेंशन है ना कि भाई मैं कहां से रिसोर्सेज ढूंढूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, वो सब खत्म हो जाती है, आपको क्लियर पाथ दिखने लग जाता है। और तो और आपको रिज्यूमे बिल्डिंग में और इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हेल्प कराई जाती है। बाकी अगर मेरे को लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे तो यही लगता है ऐसे कोर्स में इन्वेस्ट करने से आप 3-4 महीने के अंदर प्लेसमेंट रेडी हो जाओगे। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन का टाइम बहुत हेक्टिक और स्ट्रेसफुल होता है यार, ठीक है, और इस टाइम पे एक अच्छी रूटीन होना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने टाइम पे एक बहुत अच्छी रूटीन फॉलो करती जिसकी वजह से ही मेरी प्लेसमेंट हुई। मैं सुबह जल्दी उठता था, जिम जाता था, आई यूज टू ईट हेल्दी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता था कि मैं टाइम पे सो जाऊं, क्योंकि मेरा दिन जल्दी शुरू होता था इसलिए मेरे पास बहुत टाइम और एनर्जी होती थी पढ़ाई करने के लिए, और जिम जाकर मैं इतना थक जाता था कि मैं रात को जल्दी सो जाता था और मेरी रूटीन बहुत बढ़िया हो गई थी। यहाँ पे मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 100 डेज पर्सनल डेवलपमेंट चैलेंज ले लो, आप खुद को चैलेंज करो कि यार मुझे दिन में 10 DSA
प्रॉब्लम्स करनी है, मेरे को जिम जाना है, मेरे को अपनी क्लासेस टाइम पे अटेंड करनी है, मेरे को अच्छा हेल्दी खाना खाना है, मेरे को थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करना है। ये करने के बाद तुम अपना कॉन्फिडेंस खुद ही चेक कर लेना। फोर्थ आता है सोशल मीडिया से थोड़ा गैप बनाना। जैसे मैंने अपने कॉमेंट सेक्शन से प्लेसमेंट वर्ड ही बैन कर दिया था, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को बैन करना है। जो लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं उनकी आपको जरूरत नहीं है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज में जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे और यही बोला करते थे कि बस ये यूट्यूब कर सकता है, इसका इंटरव्यू क्रैक नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों से आपको जरूर से बच के रहना है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं आपको वो भी चेंज करना है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो। तो अगर आप ऐसा कंटेंट देखोगे जो आपको आपके गोल की तरफ जाने के लिए हेल्प करता है तो सोशल मीडिया भी आपको वैसा ही कंटेंट बार बार दिखाएगा। तो ऐसे आपको अपनी सोशल मीडिया फीड में रिकमेंडेशन चेंज करने हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी मेंटल हेल्थ। प्लेसमेंट प्रिपरेशन के वक्त मेंटल प्रेशर जो आता है ना वो सबसे ज्यादा होता है। आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस, आपके रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, आपके दोस्त पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहां से इफेक्ट करेगी। और जो बंदा यहां से ड्रेन हो गया ना, फिर चीज़ें खत्म है। रिसोर्सेज सबके पास है, सब एक्सेस कर सकते हैं, 24 घंटे सबके पास है, सब पढ़ाई कर सकते हैं, सब लोग अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ से हार जाएगा ना वो रेस से पहले ही बाहर है, और जो यहाँ से जीत जाता है वो ही जीतता है। तो अब थोड़ा लाइट रखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें 24 घंटे पढ़ना है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत बीच में घूमने जाओ, अपने दोस्तों से फ़ोन पे भी बातें करो, थोड़ा चिल करो, कोई सीरीज़ भी देखो। ऐसा नहीं है पूरा दिन सिर्फ पढ़े जा रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ से गए तो फिर गेम खत्म है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इस वीडियो को अपने सांप वाले दोस्तों के अलावा अपने सारे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी और स्पेशल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।